Welcome children to the first part of chapter 10. Chapter is reaching the age of adolescence. I'll read on page number 113. Reaching the age of adolescence. In the previous chapter you have learnt how animals reproduce. Lesson 9 mein humne padha ki animals kaise reproduce karte hain. Okay. अभी इसमें हम लोग ग्रोथ के बारे में रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस मतलब हमारी बॉडी में टीन एज में क्या क्या ग्रोथ होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आई विल स्टार्ट लेसन 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. हर एक चीज की एज होती है, टीन एज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड हमको पता है, देन प्यूबर्टी, ये सब आपको ये चैप्टर में पता चलेगा. तो रिप्रोडक्शन की भी एक एज होती है. व्हाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. In chapter 9, you have learnt about how human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into adult. Child में से वो adult में कैसे grow होता है, हम ये chapter में पढ़ेंगे. 1 minute. नाउ एडोलिसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलिसेंस क्या है? ये एक स्टेज है जो टीन एज में आप गो थ्रू होंगे. टीन एज जो आपका 13 से 19 तक का है. नाउ बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स से बात करने लगे. पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क दैट मेनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड हुम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. पहली ने देखा कि बूजो के बहुत सारे फ्रेंड्स को जो 1 ईयर के बाद उसने देखा तो सबकी हाइट में, आवाज में, उनके अपीयरेंस में बहुत चेंज था. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद द हेरी लाइन ऑन द लिप्स पे. मुस्टेज आ जाती है, चिन में बियर्ड आ जाती है. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. जब भी कोई बॉर्न होता है डे वन से ही उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ. सडन स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब जैसे ड्रास्टिक नहीं होता, स्पॉट इज चेंज, चेंज इन ग्रोथ, सडन चेंज इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. नोटिसेबल मतलब पता चलता है कि हाँ इसमें चेंज है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट. जैसे आपको मम्मी बोलती होगी अब मोटो थे, अब बड़े हुए, नाउ यू आर ग्रोन अप, डू योर थिंग्स ऑन योर ओन, कम ऑन बी मैच्योर, समझो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. ग्रोथ जो होता है वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. एडोलेसेंस क्या है कि बॉडी में जो चेंजेस आता है एट द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, चेंजेस इन बॉडी. एट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी इज एडोलेसेंस. ओके, ये ज्यादातर आपको 11-12 की एज में दिखेगा. एडोलेसेंस बिगिन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट इज अप टू 18 और 19 ईयर्स. जब तक आपकी टीन एज है तब तक एडोलेसेंस पीरियड रहेगा. पीरियड ऑफ
adolescence 11 to 18 or 19 years. ओके ये आपका स्टेज है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड टीन एज ऑल्सो राइट. नाउ सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 टू 18 और 19 इट इज कॉल्ड टीन एजर्स. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन बॉयज. गर्ल्स में एडोलेसेंस पीरियड बॉयज से दो साल या एक साल पहले स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज. वेरीज मैंने आगे के चैप्टर में भी आपको बताया था कि वेरीज का मीनिंग इज डिफरेंट. वेरीज का मीनिंग क्या है? डिफरेंट मतलब हर एक पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर के उसके बॉडी के हॉर्मोन्स के हिसाब से उसमें ग्रोथ होता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी भी एक स्टेज है एडोलेसेंस का मैं जो आपको आगे बताऊंगी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब जब वो बेबी बॉर्न कर सकते हैं. दैट इज एडोलेसेंस समझ में आया. चेंजेस इन द बॉडी एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. स्पर्म का मतलब चेंज. पीरियड ऑफ एडोलेसेंस कितना होता है? 11 टू 18 टू 19 ईयर्स जिसको टीनेज भी कहा जाता है. वेरीज का मीनिंग डिफरेंट. नाउ एडोलेसेंस की स्टेज में के बाद अ पर्सन कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मतलब बेबी बॉर्न कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. टर्न पेज बैक. नाउ आई विल रीड दिस बॉक्स. पहेली एंड भूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरलाइन अबाउट द लिप्स ऑफ इन द बॉयज वर द साइंस ऑफ एडोलेसेंस. एडोलेसेंस में ऐसा होता है आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. लाइट मुस्टेज बॉयज को आते हैं, फिर बियर्ड आते हैं, प्यूबिक मतलब पर्सनल पार्ट्स में हेयर्स आते हैं, आर्म्स में हेयर्स आते हैं. ओके नाउ दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी. अभी चेंजेस एट प्यूबर्टी में क्या है? फर्स्ट इज इंक्रीजिंग हाइट मतलब अचानक से, जैसे कि कोई कोई बच्चों को आपने सिक्स सेवन्थ में थे तब देखा हो और आपने अगर उनको दो साल या तीन साल बाद देखा हो, जैसे वो एट या नाइन्थ में आए तो उनकी हाइट बढ़ जाती है. तो दैट इज क्योंकि वो एडोलेसेंस स्टेज में है इसीलिए चेंजेस एट प्यूबर्टी. इंक्रीज इन हाइट. द मोस्ट कॉन्स्पियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इलोंगेट. इलोंगेट मतलब लंबा होना. एक्सटेंड बड़े हो जाते हैं. इंक्रीज इन साइज जैसे आप बोलो. ओके इंक्रीज इन साइज. सो एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट्स एंड मेक्स अ पर्सन टॉल. फिर ये चार्ट है आप अपने हिसाब से पढ़ लेना. अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लो. Now I'll read here. Initially, girls grows faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. बोलते हैं ना 18 years के बाद height नहीं बनती, बढ़ती. किसी किसी के hormones की वजह से 20 पे भी उनकी height बढ़ सकती है. The rate of growth in height varies in different
इंडिविजुअल. सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन. किसी किसी का कैसे होता है कि पहले एकदम से बढ़ जाते हैं फिर स्लो डाउन हो जाते हैं. वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली. देर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. मतलब देखो आपके बॉडी के जो पार्ट्स है वो एकदम से नहीं बढ़ सकते. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized. कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के बॉडी से उसके पैर या हाथ बहुत लंबे होते हैं लेकिन फिर जब उसका adolescence period complete हो जाता है तो वो back to normal हो जाता है. So sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन द प्रपोर्शनेट बॉडी. प्रपोर्शनेट मतलब इक्वल. प्रोपोर्शनेट का मतलब है इक्वल हो जाना. इक्वल. सी व्हाई आई एम राइटिंग दिस मीनिंग सो दैट यू कैन रिमेम्बर. इसीलिए मैं हर एक वर्ड जो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आता मैं हर एक का मीनिंग सामने लिखती हूँ. सो यू प्लीज नोट इट डाउन. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर. आपकी जो हाइट है वो आपके फैमिली मेंबर के सिमिलर होती है. This is because height depends on the genes inherited from parents. जैसे हमने पढ़ा था 9th lesson में genes होता है जिसकी वजह से आपके parents के जो qualities है वो आप में transfer होती है. Okay? So this is because height depends on the genes inherited from parents. It is however very important to eat at the right kind of food during these growing years. These helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate. Adequate का मतलब proper. Proper amount of food खाना चाहिए. Adequate meaning is proper. So, these helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in this chapter. So here I end with first part. Rest I'll explain you in second part of this chapter.